आज हो गई है 22 मार्च की तारीख, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 920वां एपिसोड। सिर्फ 10 दिन बचे हैं आईपीएल में और आज क्रिकेट फटाफट के इस स्पेशल एपिसोड में सभी 10 टीमों की फाइनल और नई नवेली जर्सीज आपको बताने वाले हैं। सारी टीमों ने 2023 के आईपीएल के लिए नई जर्सी अनवील कर दी है, तो भैया सीट की पेटियां बांध लीजिए, सारी जर्सीज बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल की तमाम रिपोर्ट, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज इसी तरह से सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन यहाँ कहीं नीचे दिख रहा होगा, फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले LSG लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ। तो इनकी नई नवेली जर्सी आपने देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो भैया देख लो, स्क्रीन पर चल रही है। डार्क ब्लू कलर की इन्होंने जर्सी रिवील्ड की है, पिछले साल तक ये लाइट ब्लू कलर की जर्सी में दिख रहे थे। हालांकि पिछले साल जो इनकी जर्सी आई थी उसको बदलने का जो कारण था वो ये था कि इनके फैंस को वो जर्सी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर इनकी पुरानी लाइट ब्लू कलर की जर्सी को लेकर बहुत ही मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहा था, और इसी के चलते लखनऊ वालों ने ये डार्क ब्लू कलर की जर्सी जो है वो अनवील की है। हालांकि ये जो ब्लू कलर का शेड है ये आईपीएल में अब बहुत सारी टीमों के पास हो चुका है, क्या इन्हें ब्लू कलर की जर्सी करनी थी या कोई दूसरे कलर की लानी थी, और इनकी जर्सी आपको कैसी लग रही है? 10 में से रेटिंग दीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। लखनऊ के फैन हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लखनऊ के बाद KKR की नई जर्सी की। तो कलकत्ते को जो नई जर्सी मिली है वो पिछले साल की जर्सी की ही तरह है, लेकिन इसमें एक बदलाव है। इस बार इनका जो टाइटल स्पॉन्सर है वो है MyFab11। तो एक नई कंपनी इनको टाइटल स्पॉन्सरशिप दे रही है, इसका मतलब MyFab11 का जो लोगो है आप देख पा रहे होंगे इनकी चेस्ट पर, फ्रंट पर, इनकी जर्सी पर हमें देखने को मिलेगा। पिछले बार और इस बार की तुलना में जर्सी पर पर्टिकुलरली कोई काम इन्होंने नहीं किया है, कोई बहुत बड़ा बदलाव ना कलर में ना टेक्सचर में आपको देखने को मिलेगा। KKR की नई जर्सी आपने देख ली है, 10 में से रेटिंग दीजिए, और कलकत्ते के फैन है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन नीचे दिख रहा होगा, फटाफट हिट कीजिए। कलकत्ते की टीम के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की नई जर्सी की। तो जैसा हमने कहा था वैसा ही हुआ है, क्योंकि SRH की टीम ने पूरी तरीके से एक नई नवेली जर्सी अपने लिए अनवील्ड कराई है। स्पेशली जो इनके स्लीव्स दिख रहे हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। अच्छा, इनकी एक टीम है जो SA20 खेलती है, सनराइजर्स ईस्टर्न कैप नाम की, इन्होंने कुछ वैसी ही जर्सी अपनाई है, और ऑलरेडी लगभग 2 महीने पहले मैं बोल चुका था कि इनकी जर्सी बदलेगी। अब इनकी नई जर्सी तो आपने स्क्रीन पर देख ली, 10 में से रेटिंग आप देना इनकी नई नवेली जर्सी को, और अगर हैदराबाद के फैन हो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन नीचे भी है, फटाफट हिट कर देना। SRH के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की नई नवेली जर्सी की। तो दिल्ली की टीम का कलर चेंज नहीं हुआ, जैसा कलर पिछले साल था वैसा ही हुआ, लेकिन पूरी जर्सी का टेक्सचर चेंज हो चुका है। दोस्तों इस समय आप अपनी स्क्रीन पर दिल्ली की नई नवेली जर्सी देख पा रहे होंगे, और इस जर्सी को देखकर आप साफ साफ बता देंगे कि हां भैया इन्होंने अपनी जर्सी को और सिंपल और सोबर बनाने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले साल जो इनकी जर्सी थी पूरे जर्सी मतलब थ्रू आउट द जर्सी जो था वो टेक्सचर दिख रहा था, लेकिन अब उन्होंने जो अपना जो मोटो है, जो टेक्सचर है, उसको सिर्फ अपने चेस्ट तक फोकस कर दिया। अब इनकी नई नवेली जर्सी आपने देख ली, 10 में से रेटिंग दे दो भैया दिल्ली के जर्सी को, और दिल्ली के फैन हो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन नीचे दिख रहा होगा, फटाफट हिट कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दिल्ली के बाद, अब पंजाब किंग्स की नई जर्सी देख लेते हैं। तो बहुत उम्मीदें थी पंजाब से, कहा यह जा रहा था कि भैया आपने कोच बदल दिया, आपने कप्तान बदल लिया, आपने सब कुछ बदल दिया, जर्सी भी बदल दो, बट ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि पंजाब किंग्स की जो नई जर्सी आई है वो पिछले साल की तरह ही अभी तक की स्थिति में नजर आ रही है। पंजाब वाले जर्सी में बहुत ज्यादा बदलाव करते नहीं है, क्योंकि हमने शुरू से ही देखा है इन्होंने बहुत धीरे धीरे बहुत कम कम बदलाव अपने जर्सीज में किए हैं। पंजाब किंग्स की ये जो जर्सी है आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताना, 10 में से रेटिंग देना, और भैया अगर पंजाब से आते हो या पंजाब किंग्स के फैन हो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन भी नीचे ही दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां से, अब बात कर लेते हैं पंजाब के बाद गुजरात टाइटंस की नई जर्सी की। तो GT ने भी अपनी जर्सी रिवील कर दी है, पिछले साल के चैंपियन थे ये, इस साल इन्होंने अपनी जर्सी में बहुत माइन्यूट से बदलाव किए हैं। जो इनकी जर्सी का कलर था वो सेम रहेगा, लेकिन जो टेक्सचर था पूरी जर्सी का वो चेंज हो गया है, जो कुछ लाइंस थी टेक्सचर से जुड़ी हुई उनको हटा और बढ़ा दिया गया है। अब इनकी नई जर्सी आपको कैसी लग रही है? पिछले साल की जर्सी की तरह ही सेम टू सेम लग रही है, पर छोटे से ही बदलाव है बहुत, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। इनको भी 10 में से रेटिंग देना, कितने रेटिंग दोगे, और अगर गुजरात टाइटंस के फैन हो, क्योंकि पिछले साल जीते थे, फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई इनके, तो अगर आप भी फैन हो गुजरात टाइटंस के, वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक का बटन नीचे दिख रहा होगा, फटाफट हिट कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों गुजरात के बाद, अब CSK की नई जर्सी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि आईपीएल में
हर मैच की प्रिडिक्शन और फैंटेसी टीम हम यूट्यूब से भी पहले आपको टेलीग्राम पर देने वाले हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, देर मत करना, टेलीग्राम पर परिवार का हिस्सा बन जाना, फ्री में ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी की अगर हम बात करें तो चेन्नई की जर्सी भी सेम है, हालांकि थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा बदलाव इन्होंने अपने स्लीव और कंधे पर किया है। जो कैमोफ्लाज कपड़ा था उसको थोड़ा सा वाइड कर लिया गया, उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया गया, अदरवाइज कोई बदलाव नहीं है, जैसी जर्सी चेन्नई की थी वैसी है और बहुत कम चांसेस थे। मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि हल्का फुल्का चेंज ये लोग कर सकते हैं और 15 साल का इतिहास रहा है, ये लोग बहुत ज्यादा बदलाव करते नहीं है। तो चेन्नई के साथ हमने वैसा ही कुछ होते हुए देखा, इनकी नई जर्सी कैसी है 10 में से रेटिंग देना, और सीएसके के अगर फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन नीचे दिख रहा होगा, फटाफट रेट करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीएसके के बाद अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की नई जर्सी की। पिछले साल की तरह ही इस साल इनकी जर्सी वैसी ही रहेगी, हल्का सा कलर इन्होंने थोड़ा ब्राइट किया है और इनका टाइटल स्पॉन्सर चेंज हो गया। पिछले साल हैपीलो इनका टाइटल स्पॉन्सर था, इस साल ल्यूमिनस टेक्नोलॉजी इनकी टाइटल स्पॉन्सरशिप लेकर बैठी हुई है, तो इनकी जर्सी के आगे ल्यूमिनस टेक्नोलॉजी इस साल लिखा हुआ आप देख पाएंगे। इनकी नई नवेली जर्सी आपको कैसी लग रही है कॉमेंट बॉक्स में बताना। राजस्थान रॉयल्स के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक का बटन नीचे ही, और 10 में से रेटिंग जरूर देना इनकी जर्सी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात कर लेते हैं अब मुंबई इंडियंस की नई जर्सी की, क्योंकि मुंबई ने भी अपनी नई जर्सी लाई है, बदली है और बहुत हल्के से चेंजेस इन्होंने भी किए हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बंबई चेंज तो करेगी, लेकिन बंबई हर साल की तरह इस साल भी बहुत माइन्यूट से चेंज करेगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम हर साल अपनी जर्सी में हल्के फुल्के चेंज करने के लिए जानी जाती है। इस बार भी इनका टेक्सचर हल्का सा बदला है, थोड़ा सा कलर इनका ब्राइटन अप हुआ है, क्योंकि भारत में आईपीएल हो रहा है, ज्यादा जाहिर है लाइट्स के इश्यूज रहते हैं कई मैदानों पर, बड़े शहर नहीं लेकिन छोटे शहरों में, इसलिए बहुत सारी जर्सीज आप देखेंगे कलर लाइटन अप किए गए हैं, बीसीसीआई ने इस बात पे कहा भी था। मुंबई इंडियंस की ये नई जर्सी आपको कैसी लग रही है वो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, 10 में से रेटिंग जरूर दे देना, और मुंबई के फैन हो, आमची मुंबई के, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन भी नीचे दिख रहा होगा, हिट कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आरसीबी की जर्सी की अब बात करते हैं, तो आरसीबी का टाइटल स्पॉन्सर चेंज हो गया है, 75 करोड़ रुपए दिए कतर एयरवेज वालों ने, और इस साल इनकी जर्सी के आगे कतर एयरवेज का लोगो लगा हुआ दिखेगा। हालांकि इनकी नई जर्सी 25-26 तारीख के करीब आएगी, लेकिन इस समय वीडियो में आप इनकी कंसेप्चुअल जर्सी जो हमने बनाई है वो देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसी ही आरसीबी की जर्सी रहने वाली है। मुख्यतः आरसीबी अपना टाइटल स्पॉन्सर बदलेगी और नई जर्सी निकालेगी, क्योंकि इनका टाइटल स्पॉन्सर मेन है जो कि इनको जर्सी में बदलाव करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये थी भैया 10 टीमें और 200 टीमों की 2023 के आईपीएल के लिए नई नवेली जर्सी। किस टीम की जर्सी आपको बहुत अच्छी लगी और किस टीम की बहुत बुरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर बताना, कारण भी बताना। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे, फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाना।